इवनिंग और गुड इवनिंग ही हो रही है। 4 बजे, 4, 3:30, 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत रेडी लग रही होंगी क्योंकि क्योंकि मैंने पहना हुआ है। पहले ये सूट दिखा दो आप लोगों को, दिख नहीं रहा ना, रुको। हाँ, अभी तो मैंने चप्पल ही पहनी हुई है और मैं रेडी हुई हूँ। किस लिए? क्योंकि हमारा एकदम सडनली प्लान बन गया कि हम लोग अपने मामा के जा रहे हैं, मैं और मम्मी। ऐसे कोई प्लान था नहीं, बस एकदम से बन गया। मम्मी का मन था मामा के जाने के, बहुत टाइम से बोल रही थी मामा के जाना है, मामा के जाना है, और हम लोग मामा के जाने वाले हैं। और मैंने पहने हुए हैं ये सूट सलवार क्योंकि हम लोग बस में जाने वाले हैं। सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है बस में जाना, क्योंकि पापा हमारे साथ नहीं जा रहे। पापा इसलिए हमारे साथ नहीं जा रहे क्योंकि पापा को बहुत सारा काम है। और काम बस 1 घंटे पहले, क्या 1 घंटे पहले प्लान बनाया कि हम लोग मामा के जा रहे हैं, वरना ऐसे कोई प्लान था ही नहीं। सडनली मम्मी ने बोला चीनू, मैं कि हाँ जी, बोलने लगी कि मैं मामा के चलेगी। मैंने पहले तो मना कर दिया कि मैं क्या करूँगी जाके, फिर बोलने लगी चल चल। फिर मैंने चलो चलो मैं भी घूम के आ जाती हूँ, 1 दिन के लिए जा रहे हैं, परसों को वापस आ जाएंगे, परसों शाम तक, सुबह तक, सुबह सुबह वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिर 9 तारीख को सागर आने वाला है। और आप लोग पता है, जब प्लान एकदम से बनता है तो सारी चीज़ें फैली होती हैं। वो मेरा थोड़ा बहुत मेकअप का सामान जो मैंने फैला हुआ है, और फटाफट मम्मी कितनी देर में तैयार होगी? ये रिया, इन्होंने छोड़ दे बस, मैं दौड़ती हूँ बस कपड़े उतार के लाने पीछे से। 2-4 टाइगर रोटी बना ली और पापा रहेंगे 2 दिन घर में अकेले। हाय 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 हाय, ये सिर्फ व्लॉग में हाय करने आते हैं, उसके बाद बस बस यही आते हैं। लाइट बंद कर दो, क्योंकि हमारी मम्मी जिस भी रूम में आएंगी ना, पटाख देने से लाइट बंद करेंगी, बिल्कुल पटाख देने से लाइट बंद करेंगी ना। लाइट बंद करने की बहुत ज्यादा आवत है। तो हम आधे 15-20 मिनट या आधे घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे, है ना? हाँ, क्योंकि हमें जो है मोदी नगर तक तो हमें पापा छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर सवारी मिलने में बहुत परेशानी होते हैं, यहाँ सवारी नहीं मिलती। और शाम का टाइम वैसे ही हो रहा है, तो पापा हमें मोदी नगर से ही हापुड़ की बस के लिए बिठा देंगे, फिर तो वहां से चले ही जाएंगे। वहां से तो बहुत इजी है, पास भी पड़ता है ना, तो फिर हम कुछ चले जाएंगे। तो इसीलिए, और पहली बार मैं जा रही हूँ ऐसे, मतलब बस में भी और मम्मी के साथ भी। एक बार गई थी सागर के साथ, गई थी वो तो, मैं बहुत टाइम पहले गई थी, लेकिन ऐसे में फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो पहले अपना काम निपटा लेती हूँ। और क्या और क्या, और ये मैंने बिल्कुल लाइट कलर लगाया हुआ है, क्योंकि दिन में इतने डार्क कलर अच्छे नहीं लगते। बताना कि ये लाइट कलर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, ठीक है? अच्छे से दिखाऊं या फिर धूप में आप लोगों को दिखेगा नहीं? शू नहीं दिख रहा, यहाँ से दिख जाएगा ना। बिंदी का पत्ता तो रहेगा तुम्हारा, अभी रखनी हूँ मैं। फटाफट से कपड़े वपड़े तार के लाती हूँ, ठीक है? कपड़े तार के ला के रख दूंगी। हैं? हाँ चलने वाले हैं
सारे घर के गेट भी बंद कर दूं, बंद कहाँ जा रही हो तुम? दूध की? चलो तो हमारी माता जी तैयार हो गई है, ये अभी दूध की ढोलती नहीं जा रही है क्योंकि शाम को दूध आएगा तो पापा दूध पकड़ा कर चले जाएंगे घर पे। यही जाती है पास में मम्मी, हमारे साथ डल्ली फ्रेंड बना, खुश हो है? खुश हो भाई? अपने घर जाने को तो खुशी खुश है बहुत ज्यादा है वो है खुश। हमारे घर के पास ही गली है, अरे बंद मत करो भाई मैं आ रही हूँ, हमारे घर के पास ही गली है ना वहीं जाती है मम्मी। ये जा रही, वो सामने घर है ना उसमें। पानी निकालो गाड़ी, पानी निकालो गाड़ी निकालो, दो मिनट दो मिनट बाद निकालेंगे, इतने मम्मी भी आ जाएंगी। जब कहीं जाने वाले हो मैं ना प्यास सी बड़ी लगे मुझे तो, और टाइगर को रोटी टाइम पे दे दियो, ज्यादा भूखा रहेगा वरना। जब टायर यहाँ आकर बैठ जाए ना और तुम्हें देखने लगे हैं, बार बार तुम्हें देखने लगे तो समझ जाइए उसे भूख लगती है, ठीक है? सब कमरों की लाइट बंद कर रही हूँ क्योंकि पापा तो सिर्फ ड्राइंग रूम से, पापा ड्राइंग रूम में ही रहेंगे, वो कहीं और दूसरे रूम में जाने नहीं वाले, और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं उन कपड़ों की तह लगा दूं, आके देखती हूँ।
ज्यादा बैटरी ना है क्योंकि मुझे चार्ज करने का टाइम ना मिला। हाँ अंधेरे से मारी हूँ क्या या मेरी फोन की मैंने ब्राइटनेस कम कर दी इसी वजह से मुझे अंधेरे से लग रहा है। हाय हम चले इधर कोई निकल लो बस की भी सवारी कर दिखाओ नानी जी को अपने में दिखाओ ना मैंने हॉटस्पॉट खोल रखा है अपने फोन का। अच्छा। Hey guys, और अब मैं अपने मामा जी के घर आ गई हूँ और मेरे नाना जी मेरे फेस को ऐसे देख रही है तो बताना मैं क्या कर रही हूँ ये लकड़ी नानी हूँ यू है सेल्फी स्टिक इसे वीडियो बनाने में अच्छे लगे मैं कैसे लग रही अच्छी लग रही है मुझे काम ना तो मेरी वीडियो बना दी हाँ रुक जाओ हो जाओ ठीक से तुम जब बनाएंगे हाँ तो बताओ अब हो गई थी। ये है मेरी नानी जी नानी जी मम्मी से बोल रही है कि मुझे भी वीडियो दिखा दो बेचारी वीडियो कम देखे हैं बहुत है ना अब दिखाऊंगी अब नानी कुछ बोलो तो सही क्या बोलूं बता जब तक तुम्हें पता नहीं वीडियो चल रही है जब तक तो तुम बोल रही ही और अब तुम्हें पता पड़ गई वीडियो ना चल रही तो तुम बोलना रही ये पूछो कैसी लग रही है वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही है बुरी लग रही है इनसे पूछो कैसी लग रही है तुम बताओ तुम्हें कैसी लग रहा है वीडियो तो बढ़िया लग रही है मुझे अच्छा बोल रहे हैं मुझे तो बढ़िया लग रही है नाना जी हाय बोलो नाना जी हाय बोलो ऐसे करो ऐसे ऐसे करो हाय हाय तो करो यू ना कर सकते हाय 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 फिर आ तुम नाना जी कैसे आ गए भाई अब हमारी बात चल रही है माँ बेटी होगी तो आराम से मम्मी से बैठ कर बात कर रही हूँ अब रात के 11 बज रहे हैं हम शाम 7 बजे आ गए 6:30-7 बजे के आसपास गाड़ी में जब भी आते हैं तो 1-1.5 घंटे का ही रास्ता लगता है लेकिन सवारी से टाइम लग गया आज हम उसके पापा को लेकर तो हमें 4 बजे चले ना हाँ 4 बजे चले हमें 3-3.5 घंटे के आसपास लग गया आने में टाइम लगा ना थोड़ा सा वो फोन फिर हाथ से जो है फोन हाथ दुखाया ना मेरा तो इसी वजह से सेल्फी स्टिक ले रखी है इससे फिर ठीक आवा है दूर से आप से ले लो फोटो ऐसे कहीं मेरे मुंह का साला बुड्ढा जैसे कहीं भी ना नहीं बुड्ढी जैसे अब रात को सो रही हो तो रात के अब रात के टाइम तो सब ऐसी रहना है हमें ना नहीं नानी जब मैं चले जाऊँ तो मुझे याद करो जिस दिन तुम्हारी एनिवर्सरी ही कल ही 6 तारीख की तुम्हें क्या लग रहा तुम्हारी नीतू को याद है एनिवर्सरी
मुझे याद नहीं सुना गई तुम तो मैंने गई मम्मी नानी जी की एनिवर्सरी है फोन कर लो, ये बहन जी गई फोन लेकर दूसरे कमरे में हैप्पी एनिवर्सरी करी और काट के खा गए। मम्मी मुझे तो याद ही करने वाली ही वो सब झूठ बोल रही ऐसी कहेंगे मैंने हर चीज की एनिवर्सरी याद दिलाओ इन्होंने मुझे तो तुझे ऐसा कहनी चाहिए ना। हाँ मुझे कहनी चाहिए। हाँ कहनी चाहिए नानी मम्मी को जब तुम मम्मी को बता देती ना कि एनिवर्सरी चीनू ने याद दिलाई तो तुम्हें भी लगता कि भाई आप चीनू को याद है। हाँ ये तो बात है। और बताओ वो मेरे मामा जी की लड़की बोल रही है बाहर क्या हो गया। मैं अब ये मुंह का पूरा पता कर रहा है मैं अगर चेकअप कर कर रहा हूं बड़े अगर सुन रहा है लग रहा है तुम तो बस सुन क्या हो गया क्या हुआ उसे बुला दी थी क्या शायद कुछ होगा ब्रेक से उठ कर अब कुछ ही ना। अरे वो तो मेरे फोन में लग रही है 11 बज रहे हैं यहाँ तो सब लोग सोने वाले हैं जल्दी सो जाओ है ना सब लोग। और भाई अब अपने सोने की तैयारी कर रहे हो क्या बोलो ना। आज हमारा ब्लॉग नहीं गया कोई भी हुआ ही नहीं बोलो बुलबुले क्या बोल रही है मामी जी सो गया बता दो सो गया सोगा सोगा। तो अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं ऐड करती हूँ मिलोगी कल को नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम परसों को जाएंगे ना हम परसों सुबह को जाएंगे तो कल का पूरा दिन हम यही है। नानी जी बोलो बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।